राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ। तो पानी की क्वालिटी कई बार टेस्ट करी गई है और उतनी ही अच्छी क्वालिटी है फिल्टर करते हैं जो सबसे प्रीमियम बिकता है हिमालयन नेचुरल वाटर। बड़ी वाटर 60 रुपए की बिकती है, ये नॉर्मल बिस्लरी नहीं है जो स्प्रिंग वाटर। रैंचिंग इतना पॉपुलर हो गया उस वीडियो के बाद कि योगी जी ने गंगा पे करवाया था और अब रिसेंटली फिर अनाउंस किया है जो मेजर इनिशिएटिव रिवर रैंचिंग का करेंगे। रिवर रैंचिंग में जो छोटी छोटी नेटिव फिशेज आते रहो करता वगैरह टाइम पे आप लोग भी थे साथ वाले नाहर स्कूल के लिए 4000 ये है कोलू का बैल। ये अंग्रेजों के ज़माने में 150 साल पहले इसमें बैल चलते थे गोल गोल वाटर व्हील और नहर से पानी निकाल निकाल के जो आप बाग बगीचे देख रहे हैं। साइकिल राइड भी दिखाया भी था। तो चैट में बच्ची ये बता रही है कि हमारे पूर्वजों ने पानी को नदियों में झरनों में झीलों में देखा था। मूवी के लीडरशिप में हमने ये आज़ादी हासिल की और इस समय और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट ओकेजन एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम हियर अमंगस्ट यू ऑन गांधी जयंती के लिए एंड कमिंग बैक टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल एनर्जी। आप सब जान रहे हैं जो बिजली हमारे पास आ रही है इसमें लगभग 50% वो बिजली है जो कि कोल और गैस से बनती है। तो हमारी मिनिस्ट्री का यही लक्ष्य है कि हम धीरे धीरे ये जो कोल और गैस से बिजली बन रही है इसको कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी की मात्रा बढ़ाएं इस मिक्स में, एनर्जी मिक्स में। क्योंकि जो कोल और गैस से बनता है उससे धुआं निकलते हैं, धुएं यू नो अदर ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग आप सब जानते हैं उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सुनामी आ रही है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग और कहीं ज़्यादा देखते हैं बिना टाइम के बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कहीं जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो दीज आर दी थिंग्स वी आर एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो जैसा कि कल जी ने कहा आप सब चाहते हैं कि यहाँ एक माइक्रो हाइडल बने, दिस रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट और हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम जो भी कर सकेंगे हम सब मिलकर करेंगे इस चीज़ के लिए। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने ही देवी और अपने आसपास के लोगों को भी उससे बिजली दे पाए। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन मैम इकट्ठे हुए हैं जिसमें स्वच्छ भारत के साथ साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम लोग एक सार्थक दिशा में प्रयासरत हैं और मैं पुनः एक बार डॉक्टर साही सर और मैम का पुनः इस विद्यालय में अभिवादन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और प्रताप सर से तो हम लोग ऑलरेडी कई सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कोविड की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया था साइकिलिंग में और रिवर रांची में, अदरवाइज हम दिशा में हमेशा प्रयासरत रहे हैं और मैं आगे भी चाहूँगी कि हम लोग इसी तरह से कई दिशा में काम करते रहें। और सोच की चीज़ है कि आप किस दिशा में सोचते हैं, जिस दिशा में आप सोचते हैं उसी दिशा में आप कार्य करते हैं। धन्यवाद।